हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE. एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है. स्वागत है आपका ECLE के इस चैनल पर. और आज हम पढ़ेंगे शुड हैव, जो मैंने शुड की, शुड बी और शुड हैव की जो क्लास है आज हम पढ़ेंगे. शुड और शुड बी हमने कंप्लीट कर चुके हैं 8 तारीख को, और जो कल की जो वीडियो थी शुड बी वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं. उसको सेंटेंस कैसे बनाने हैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द वीडियो, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ. ओके, तो आज हम शुड हैव पढ़ेंगे. शुड हैव मतलब पास होने का जो साइंस रहेगा. ओके, और एक अच्छी यूज अच्छी है शुड हैव आपके लिए. इफ़ यू टॉक अबाउट दी स्पोकन पर्पस की तो है ही, साथ ही साथ आपको जो सेंसिबल जो सेंटेंसेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, तो आपको वो ध्यान से सेंटेंस बनाने हैं, ध्यान से देखना है शुड हैव के कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं. ओके, वीडियो बहुत ज़्यादा बहुत दिन बाद बन रही है. ओके, कल वीडियो बनी थी तो थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको कंटिन्यूटी में वीडियो आने में और थोड़ी सी रेगुलर बेसिस पे आने में. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए. ओके, तो आज की जो क्लास है किस पर है, हमारी क्लास शुड हैव पर है. शुड हैव क्या है, शुड हैव पर ये क्लास है. शुड हैव के हम सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे. शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए, मतलब नेसेसरी, या बोल सकते हैं पास होना चाहिए. एक नैतिकता की बात आती है कि पास होना चाहिए. जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास अधिकार होना चाहिए, पास होना चाहिए, बोल सकते हैं हमारे पास अधिकार होना चाहिए. उसके पास स्वाभिमान होना चाहिए. देश के पास संपत्ति होना चाहिए, ऐसी हम बोल सकते हैं. और पास होने का सेंस है मतलब पास होने का, या फिर बोल सकते हैं कि मोबाइल, उसके पास मोबाइल होना चाहिए, इसके सेंटेंसेस आ सकते हैं. और कुछ आपको लग रहा है बी के भी सेंसेस आएगा, लेकिन हैव का ही सेंसेस आएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. इसकी जो पहचान है मैंने आपको बताया है, पास होना चाहिए, पास होना चाहिए. ओके, क्या है, पास होना चाहिए. ओके, चाहिए का सेंस आ गया. ओके, ओके, पास होने का. जैसे हम सेंटेंस लिख सकते हैं कि हमारे पास किताबें होनी चाहिए, चाहिए हमारे पास किताबें होनी चाहिए, पास होने का सेंस आएगा. ठीक है, हमारे पास किताब पास होना चाहिए, पास का जो पेन है पास होना चाहिए. ठीक है, रमेश के पास मोबाइल होना चाहिए. रमेश के पास मोबाइल होना चाहिए, हम बना सकते हैं, बिल्कुल हम बना सकते हैं. ठीक है, किसान के पास खाद होना चाहिए. क्या होना चाहिए, खाद होना चाहिए, बोल सकते हैं बिल्कुल. ठीक है, रोहित के पास घर होना चाहिए. ठीक है, घर होना चाहिए का सेंटेंस आएगा. मैंने कुछ जब बॉन्ड टू की क्लास पढ़ रहा था तो मैंने उसमें भी चाहिए का सेंस के तौर पर बताया था. जैसे हम बोल सकते हैं उसे या मुझे पैसे चाहिए, उसे कपड़े चाहिए, बताया था मैंने, मुझे पैसे चाहिए, उसे कपड़े चाहिए, उसे धन चाहिए. ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि ये भी क्या है, ये भी चाहिए का सेंस चाहिए के में बनेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा. आपका ये बनेगा किससे, बॉन्ड टू हैव से. अगर आपने बॉन्ड टू हैव की क्लास नहीं देखी है तो देखो, इनको आइडेंटिफाई करो, मैंने कैसे आपको बताया है, कैसे आपको मैंने एक्सप्लेन किया है. ओके, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस आए, पैसे चाहिए या कपड़े चाहिए, तो ये बॉन्ड टू हैव से बनेगा. ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, एग्जाम्पल, तो अब हम आगे चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर.
okay, the structure, it is very easy and simple structures, just you have to change some words, okay. तो structure बिल्कुल same है, आपको थोड़े से क्या word है उसके पास change करने पड़ेंगे. तो हर बार की तरह जो कोई भी sentence रहता है उसमें subject तो रहता ही है, okay. क्या अगर subject आएगा पर should plus have प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, तो इट इज़ द वेरी नेसेसरी फॉर द स्ट्रक्चर्स, ओके. बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे ही लिखे जाते हैं, ओके. इट इज़ रिटन ऑफ द लाइक दिस, ओके. फिर हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड, दिस सेंटेंस विल बी नेगेटिव, ओके. सो नेगेटिव हिसाब से रहेगा, ओके. आई हैव टोल्ड यू इन वीडियो, सो यू शुड नॉट हैव, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस है प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, एन फॉर नाउन ए फॉर एडजेक्टिव, ओके. एंड ये इंटरोगेटिव कहलाता है, तो शुड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस हैव आएगा प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, ओके. एंड सेकंड मतलब जो इंटरोगेटिव का सेकंड रहता है इंटरोगेटिव प्लस सब्जेक्ट, जिसे हम नेगेटिव बोलते हैं, ओके. इसके बाद हम नॉट बना लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद हर बार की तरह, ओके. फिर ये फोर्थ बार स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन एडजेक्टिव, ओके. यहाँ थोड़ा मैंने हैव भूल गया हूँ, नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, ओके. सो इसको भी मैं थोड़ा सा कर दूँ. ये क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं, ओके. और जो लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर रहता है, आप देखो क्या है कैसे बना लगते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस नाउन एडजेक्टिव, ओके. सो आई हैव टोल्ड यू दिस, आपको मैंने एक्सप्लेन किया है. जो पहले के स्टूडेंट है जो लगातार कंटिन्यूस वीडियो को देखा है एक दो बार, तो मैं हर वीडियो में इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आपको लिखवाता हूँ और सेंटेंस बनवाता हूँ, क्योंकि अगर आप इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाओगे प्रैक्टिस करोगे तो 100% यू कैन मेक द सेंटेंस एंड यू विल यूज़, आप यूज़ भी करोगे, ओके. और जो नए हैं तो उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ओके. तो हाउ टू मेक सेंटेंस, हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे शुड हैव वाले, तो हमारे पास किताबें होनी चाहिए, मतलब पास होने का सेंस भी है और एक नैतिकता भी बोल सकते हैं, ओके. दिस वीडियो मतलब जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, इट इज़ द बेसिक इंग्लिश ग्रामर. व्हेन वी शैल स्टडी अबाउट द एडवांस एंड स्पेशल, सो देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ द शुड लाइक एंड मतलब जनरल एडवाइस के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारे यूज होते हैं, ओके. सो इट इज़ द वेरी सिंपल ग्रामर, so that's why I am teaching you the very simple and basic grammar, you don't need to take the tension, okay. so don't be the confused that, okay. so हम कैसे sentence बनाना है नैतिकता में, हमारे पास किताबें होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए. तो हम सेंटेंस को हम इंग्लिश और हिंदी में बोथ लैंग्वेजेस में हम बनाते हैं, वी मेक सेंटेंस ऑफ द इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस, बिकॉज यह जरूरी रहता है, क्योंकि वी आर लर्निंग ट्रांसलेशंस, आई एम नॉट मेकिंग यू द मगअप, ओके. तो हमारे पास किताब होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किताबें, क्या आएगा, हमारे पास किताबें होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किताब, हमारे पास किताबें होनी चाहिए, ओके. इट इज बेसिक सेंटेंस है, नेसेसरी, क्या आएगा, वी शुड हैव बुक्स, ओके. वी शुड हैव बुक्स, इट इज़ वेरी सिंपल सेंटेंस. सब्जेक्ट क्या है, वी है, शुड आएगा ही, हैव का यूज़ होता ही, बुक्स में नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, तो बुक्स इज द नाउन, ओके. इट इज़ नॉट एडजेक्टिव, हमारे पास किताबें नहीं होनी चाहिए, हमारे पास किताबें नहीं होनी चाहिए, किताबें नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए भैया, किताबें नहीं होनी चाहिए, तो क्या आएगा, बनाओ इसके अनुसार, वी शुड नॉट हैव बुक्स,
वी शुड नॉट हैव बुक्स, क्या हमारे पास किताबें होनी चाहिए? दिस इज द फोर टाइप्स ऑफ द सेंटेंस. क्या हमारे पास थर्ड टाइप्स सॉरी फोर्थ क्या हमारे पास किताबें होनी चाहिए? होनी चाहिए. ओके, क्या हमारे पास किताबें होनी चाहिए? क्या आएगा? शुड वी हैव बुक्स. शुड वी हैव बुक्स. क्या हमारे पास किताबें नहीं होनी चाहिए? यहाँ बनाओ. क्या अपन इस प्रकार का बना रहा है इंटरगेटिव. क्या हमारे पास किताबें नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे पास किताबें नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे पास किताबें नहीं होनी चाहिए? क्या आएगा? शुड वी नॉट हैव, शुड वी नॉट हैव बुक्स. हमारे पास कितनी किताबें होनी चाहिए? इस प्रकार का हम सेंटेंस बना रहे हैं. कितनी हमारे पास, कितनी हमारे पास कितनी हमारे पास किताब है, कितनी बोल दो, यहाँ लिख दो. ठीक है, कितनी होनी चाहिए भाई? इट इज़ डिपेंड ऑन द स्टैंडर्ड. स्टूडेंट है, स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, तो कितनी होनी चाहिए? तो वी कैन काउंट, हम गिन सकते हैं ना. ओके, सो हम काउंट करने के लिए हाउ मैनी लगाते हैं. हाउ मैनी शुड वी हैव बुक्स, हाउ मैनी शुड वी हैव बुक्स. ओके, हमारे पास किताबें कितनी नहीं होनी चाहिए? हमारे पास किताबें कितनी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए. ओके, क्या आएगा? हाउ मैनी शुड वी नॉट हैव बुक्स. आई होप यू कैन मेक दिस सेंटेंस वेरी इजीली. ओके, ये कैसे, ये सिक्स्थ वाले सेंटेंस का है. ओके, तो हमने आपको पांच प्रकार के सेंटेंस आपको बनाना सिखाए हैं. ओके, सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. हम क्या पढ़ाए थे? शुड पढ़ाए थे. शुड मैंने आज आपको पढ़ाया है. तो शुड में क्या है, मैंने एग्जांपल बताया, पास होने का एक सेंस नहीं आएगा, पास होने की एक नैतिकता रहेगा. ओके, तो जैसे हमारे पास किताबें होनी चाहिए, मैंने आपको सिखाया है रमेश के पास मोबाइल होना चाहिए. ओके, किसान के पास खाद होना चाहिए, मैंने किताब लिख दिया, एन कर लेना. ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया है. किसान के पास खाद होनी चाहिए, रोहित का घर होना चाहिए. ऐसे हम सेंटेंस हम बना सकते हैं. ओके, फिर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस नाउन और एडजेक्टिव. मैंने छह प्रकार के सेंटेंस को मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे आपको बनाना है सेंटेंस को, और इसी को देखकर मैंने आपको सेंटेंस बनाना आपको सिखाया है. जैसे हमारे पास किताबें होनी चाहिए, वी शुड हैव बुक्स, हमारे पास किताबें नहीं होनी चाहिए. वी शुड नॉट हैव बुक्स, क्या हमारे पास किताबें होनी चाहिए? शुड वी हैव बुक्स, क्या हमारे पास किताबें नहीं होनी चाहिए? शुड वी नॉट हैव बुक्स, हमारे पास कितनी किताबें होनी चाहिए? हाउ मैनी शुड वी हैव बुक्स, हमारे पास कितनी किताब नहीं होनी चाहिए? हाउ मैनी शुड वी नॉट हैव बुक्स. इस प्रकार के हम सेंटेंस को हम बना सकते हैं. आगे चलकर थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. रमेश के पास मोबाइल होना चाहिए, रमेश शुड हैव फोन या मोबाइल. रमेश के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, रमेश शुड नॉट हैव मोबाइल. क्या रमेश के पास मोबाइल होना चाहिए? शुड रमेश हैव मोबाइल. क्या रमेश के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए? शुड रमेश नॉट हैव मोबाइल. रमेश के पास कौन सा मोबाइल होना चाहिए? विच मोबाइल या फिर विच शुड रमेश मोबाइल. रमेश के पास मतलब कैसा या फिर मतलब कौन सा मोबाइल होने नहीं होने चाहिए? तो क्या आएगा? विच शुड रमेश हैव मोबाइल. ऐसे हम बना सकते हैं. ओके, जो मैंने लास्ट फोर्थ फिफ्थ वाला था, थोड़ा सी उसमें हैव लगाना भूल गया. किसान के पास खाद होना चाहिए, फार्मर शुड हैव मैन्योर. किसान यहाँ लिख देता हूँ कि किसान अन्नदाता. किसान के पास खाद होनी चाहिए, फार्मर शुड हैव मैन्योर. किसान के पास खाद नहीं होनी चाहिए, फार्मर शुड नॉट हैव मैन्योर. क्या किसान के पास खाद होनी चाहिए? शुड फार्मर हैव मैन्योर. क्या किसान के पास खाद नहीं होनी चाहिए? शुड फार्मर नॉट हैव मैन्योर. किसान के पास किस लिए, कैसे, किस तरह बोल सकते हैं? तो किस तरह या फिर किस लिए खाद होनी चाहिए? फॉर वॉट
शुड फार्मर हैव मैनोर, किसान के पास किस लिए खाद नहीं होनी चाहिए, फॉरवर्ड शुड फॉरवर्ड नॉट हैव मैनोर। तो वी कैन मेक दिस सेंटेंस ऑफ लाइक दिस एंड वी कैन प्रैक्टिस ऑफ सेंटेंसेस ऑफ लाइक दिस, जैसे मैंने आपको बताया है। ओके, तो आपकी ये क्लास थी और मैं थोड़ा सा क्या है अलग वे में आज मैं पढ़ाने का प्रयास करूँ, बहुत दिन बाद तो इंग्लिश पता नहीं क्यों अपने आप निकल रही है, लेकिन इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फॉर यू द फोर मंथ सिंस द फोर मंथ एंड सो आई कंसीडर डैट यू कैन लर्न इंग्लिश लिटिल बिट, सो आई एम द प्रैक्टिसिंग। मैं क्योंकि मेरी खुद की अभी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही बिकॉज आई एम वेरी बिजी, आई हैव नॉट द लॉट्स ऑफ द टाइम फॉर द मेकिंग वीडियोज, बट आई एम ट्राइंग टू डैट आई शुड हैव द वन द मेम्बर्स फॉर द टीचिंग फॉर यू, सो डैट्स वाई योर टीचिंग कुड नॉट बी स्टॉप्ड। ओके, सो मैं सोच रहा हूँ कि एक अपना कोई एक साथी देख रहा हूँ कि वो वीडियोज़ बना सके और एज मच आई विल हैव टाइम, जितना मेरे पास समय होगा आई विल गिव टाइम ऑन द ECLE 100%। ओके, और कोशिश करूँगा 100% एक वीडियो आए, साथ ही साथ एक ECLE पर एक नया कोर्स भी लॉन्च होगा, अभी कोर्स के बारे में बता नहीं रहा हूँ। ओके, और वह कोर्स मैं खुद नहीं पढ़ाऊँगा और वह कोर्स हो सकता है बच्चों के लिए भी हो बड़ों के लिए हो एंड एज वेल एज इट इज़ इट कैन बी यूजफुल फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक द idioms एंड phrases एंड lots ऑफ दी थिंग्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आज की क्लास थी, आपको क्लास कैसी लगी यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ECLE को आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ घंटी वाला बटन दबाएं और जो अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।